अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जॉब्स अपडेट में आपको बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान होम गार्ड में 2500 टोटल न्यू वैकेंसी निकली हुई है। होम गार्ड के अंदर अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, लास्ट डेट कब, उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें, 2500 यानी 2500 टोटल नंबर ऑफ न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई, 2500 टोटल नंबर ऑफ न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। वहीं पर बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता, अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट तो ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो तो ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदर इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। वहीं पर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पर राजस्थान होम गार्ड के अंदर तमाम की तमाम वैकेंसी निकली हुई, जितनी भी वैकेंसी निकली हुई राजस्थान होम गार्ड के अंदर निकली हुई। बात करें क्वालिफिकेशन की, अगर आप सिर्फ 8th पास हो तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, याद रहे अगर आप सिर्फ 8th पास हो तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फुल डिटेल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप क्लिक करके फुल डिटेल्स एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर अप्लाई करना चाहते हो आप इन तमाम वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, आप इन तमाम वैकेंसी को 10 जून 2020 से लेकर 9 जुलाई 2020 तक आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, 9 जुलाई 2020 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एज लिमिट के बारे में बात करें, कम अज कम 18 मैक्सिमम 35, 18 से लेकर 35 ईयर के दरमियान तमाम अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, वहीं पर एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं पर बात करें पे स्केल की, यहाँ पर आपका पे फर्स्ट पे स्केल 18,000 से लेकर 20,000 तक रहने वाला, फर्स्ट पे स्केल आपका 18,000 से लेकर 20,000 तक रहने वाला। फुल डिटेल्स के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.jobsupdate24.com पर जा सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करो, वहाँ पर क्लिक करके उस अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली जॉब्स अपडेट।